राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो राहुल गांधी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। तो लगातार ईवीएम को लेकर बयानबाजी जारी है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बाद ईवीएम पर खड़े करते हुए सवाल राहुल गांधी ने कहा कि किसी को भी उनकी जांच की अनुमति नहीं है। चुनावी प्रोसेस में पारदर्शिता पर चिंता भी राहुल गांधी ने जाहिर की है और साथ ही साथ कहा कि जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र में दिखावा चलता है। तो राहुल गांधी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार ईवीएम पर बयानबाजी जारी है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो राहुल गांधी लगातार ईवीएम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार ईवीएम को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम की जांच के लिए किसी के पास अनुमति नहीं है। साथ ही साथ चुनावी प्रोसेस में पारदर्शिता की कमी पर भी चिंता जाहिर की। तो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उसके बाद ईवीएम को लेकर बयानबाजियों का दौर थम चुका था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे थे हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा कि ईवीएम को लेकर सवाल उठने बंद हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एलन मस्क द्वारा एक्स पर पोस्ट की हुई और उसमें अमेरिका चुनाव को लेकर, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ईवीएम का सवाल उठाए और साथ ही कहा था कि इसको जल्दी से हैक किया जा सकता है, तो इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसको लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रतिक्रिया देते हुए इसको सही ढंग से प्रयोग न करने की सलाह दी है। जी ले अंबु, साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो लोकतंत्र का जो प्रोसेस होता है उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। तो लगातार ईवीएम को लेकर तो सवाल खड़े ही हो रहे थे, साथ ही साथ चुनाव में जो पारदर्शिता का सवाल है वो भी राहुल गांधी ने यहाँ पर उठाया है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव पर जो चुनाव हुए यहाँ पर प्रत्याशी खड़े थे और ठाकरे गुट से प्रत्याशी खड़े थे जिसका 48 वोटों से हार जीत हुई है, उसका हवाला देते हुए कहा है कि इसमें इसको पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनावी प्रोसेस में पारदर्शिता पर चिंता जाहिर की, साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए।